ने कहा कि राज्य की जनता को कष्ट नहीं हो, उसकी समस्याओं का त्वरित निष्पादन हो और लोगों के दुख दर्द को सुनना और उसे दूर करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज धर्मपुर पतना साहिबगंज में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे लोगों से बातें कही। वहीं मुख्यमंत्री ने मौके पर ही लोगों की समस्याओं के उचित निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए, तो वहीं लोगों ने भी मुख्यमंत्री के इस दिशा में किए जा रहे सकारात्मक पहल की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के प्रयासों से उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस मौके पर सांसद विजय हांसदा भी मौजूद रहे। भाजपा ने आज सचिवालय का घेराव के दौरान जमकर प्रदर्शन किया। भाजपा नेता और कार्यकर्ता जगह जगह डटे रहे। लगातार कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, साथ ही पानी के बौछार भी किए गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग के पास से कार्यकर्ताओं को खदेड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, तो जवाब में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थर फेंके। वहीं इससे पहले भाजपा नेता बैरिकेडिंग तोड़ सचिवालय परिसर में पहुंच गए, जहां उन्हें हिरासत में लिया गया। सांसद समीर उरांव, सुनील सिंह, विधायक विरंची नारायण के अलावा अन्य नेताओं को भी हिरासत में लिया गया। साथ ही महिला मोर्चा के अध्यक्ष आरती कुजूर को भी हिरासत में लिया गया, जबकि अन्य नेताओं को हिरासत में लेकर जगन्नाथपुर थाना में रखा गया। कैबिनेट की बैठक सोमवार यानी 17 अप्रैल को होगी। बैठक प्रोजेक्ट भवन के मंत्री परिषद कक्ष में शाम 4 बजे होगी। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। किरेन रिजिजू ने लिखा कि भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति ने जस्टिस अपरेश कुमार को त्रिपुरा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। पूर्व में ही कॉलेजियम ने जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की मंजूरी दी थी। राज्य के विभिन्न जलाशयों और तालाबों के अतिक्रमण से संबंधित मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने रांची नगर निगम और राज्य सरकार से पूछा है कि गर्मी के मद्देनजर लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, इसकी जानकारी दी जाए। मंगलवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार और प्राथिक की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने पक्ष रखा। बता दें कि राज्य के बड़ा तालाब और जिला के आसपास के जल स्रोतों को संरक्षित करने और इसमें हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। 7वीं जेपीएससी के अभ्यर्थी सूरज कुमार रजक की रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर दायर सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने जेपीएससी से जुड़ी अलग अलग 6 रिट याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 12 अप्रैल यानी बुधवार की तिथि निर्धारित की है। देवघर में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने शीघ्र दर्शनम के शुल्क वृद्धि और अर्घा लगाने को लेकर समन्वय समिति के साथ बैठक की। बैठक में बाबा मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा में बढ़ोतरी के साथ कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि बाबा वैद्यनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए काफी संख्या में भीड़ जुट रही है, जिसमें काफी संख्या में बुजुर्ग और दिव्यांग भी रहते हैं। इसलिए बाबा वैद्यनाथ मंदिर में कुछ घंटों के लिए अर्घा सिस्टम लगाया जाएगा। वहीं सुबह और सेकेंड हाफ में स्पर्श पूजा किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ दर्शनम कूपन के दामों में भी वृद्धि की जाएगी। मिजिल्स रूबेला अभियान को लेकर गिरिडीह स्वास्थ्य विभाग में जागरूकता रैली निकाली गई। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर के झंडा मैदान से निकले इस जागरूकता रैली में जिला मुख्यालय के कई सरकारी और निजी स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। वहीं रैली में कई सामाजिक संस्था के सदस्यों के साथ शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जिला जनसंपर्क अधिकारी रश्मि सिन्हा और डॉक्टर अशोक शर्मा भी शामिल हुए। देवघर समाहरणालय सभागार में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन की अध्यक्षता में बैठक की गई। समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, स्वच्छ भारत मिशन निर्देशक नेहा अरोड़ा सहित कई विभागीय अधिकारी शामिल हुए। बैठक में देवघर, दुमका, गोड्डा सहित संथाल परगना के सभी जिलों में हो रही पानी की समस्या और इसका समाधान पर चर्चा हुई। इस मौके पर सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल का संकट काफी गहरा हो रहा है। ऐसे में पेयजल के संकट को दूर करने और लोगों को पर्याप्त जल मुहैया कराने को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही पेयजल संकट को लेकर विभिन्न जिला कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जिससे पानी की समस्या से तत्काल आम पब्लिक की समस्या को दूर किया जा सके। रांची में आयोजित भाजपा का सचिवालय घेराव कार्यक्रम को लेकर गढ़वा के स्थानीय विधायक सह सूबे के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता इनके साथ नहीं है, जिनके साथ जनता होती है उनकी रैली नहीं होती।
जेएमएम की रैली में लाखों की भीड़ होती है क्योंकि जनता जेएमएम से सीधे जुड़ी हुई है। जनता का जो मुद्दा था वह यह सरकार पूरी कर रही है, ऐसी ऐसी योजनाएं लागू कर रही है जो 15 वर्ष पहले ही हो जानी थी, लेकिन उसे अभी लागू किया जा रहा है। रांची में ये लोग लाखों लाख की भीड़ जुटाने का दावा कर रहे थे, सब फ्लॉप हो गया। जबकि इनके सारे सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री लगे थे, लेकिन ये भीड़ नहीं जुटा पाए।